हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला ड्यूवी ग्लोवी सिंपल मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैंने क्रिएट किया है सिर्फ 200 रुपए के अंदर। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किया है इस लुक को क्रिएट करने के लिए, सारे ओनली 200 रुपए के अंदर है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल, हेल्पफुल, बिगिनर फ्रेंडली है। सो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने इनके इंडिविजुअल लिंक्स भी प्रोवाइड किया है और एक माई हॉल स्टोर का सिंगल लिंक भी प्रोवाइड किया है, जहाँ पर क्लिक करके आप इन सारे प्रोडक्ट्स को चेकआउट भी कर सकते हैं या फिर उन्हें परचेज भी कर सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Amazon पे चल रहा है वार्ड्रोब रिफ्रेश सेल, जहाँ पे आपको मिलेगा 50-80% का डिस्काउंट आपके फेवरेट ब्यूटी एंड फैशन प्रोडक्ट्स में। तो जो लिंक्स है ना इस सेल की, उस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, जहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली सेल का जो हिस्सा है वो बन सकते हैं। ये सेल स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 18th of December। सो सेल का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने फाउंडेशन इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने सिर्फ कंसीलर इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं आप लोगों को एक फाउंडेशन का ऑप्शन भी दूंगी। ये है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड, लेकिन मेरे पास 220 नेचुरल बेज था, तो ये थोड़ा सा डार्कर है मेरे स्किन टोन के लिए, बट ये भी चल जाता है अगर आप इसके ऊपर कंसीलर अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा लाइटर शेड का ब्राइटर कंसीलर, तो बैलेंस आउट हो जाता है। तो मैं इसे भी इस्तेमाल करती हूँ, ये ख़त्म होने को ही है। ये पाउच फाउंडेशंस है जिसका प्राइस है 99 रुपीज़ ओनली। नेक्स्ट मैंने अप्लाई किया है ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर, मेरा शेड है 02, और ये जो कंसीलर है इसे मैं एक्चुअली बहुत दिनों से इस्तेमाल करना चाहती थी, बट मैंने इस्तेमाल नहीं किया बिकॉज मैं मेबलिन का फिट मी कंसीलर, एले गर्ल का कंसीलर, ये कंसीलर से इस्तेमाल करती थी, एंड मुझे लगता है कंसीलर प्ले अ वाइटल रोल ऑन योर मेकअप। तो इसी वजह से मैं कंसीलर के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करती थी, बट एक दिन मुझे लगा ये इतनी अफोर्डेबल रेट में अमेजन पे मिल रहा है ना ऑफर के सेल के टाइम, सो आई थॉट लेट मी ट्राई दिस वन। एंड ये इतना खूबसूरत सा कंसीलर है, ब्राइटनिंग कंसीलर है मेरे लिए। ये जो मेरा शेड है 02, ये थोड़ा सा लाइटर है मेरे स्किन टोन से, बट ये थोड़ा ऑक्सीडाइज होता है, सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होता, मेबलिन का भी ऑक्सीडाइज होता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, कवरेज अच्छा है, थोड़ा ड्राइंग है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मेबलिन, बट अमेजिंग कंसीलर है। अफोर्डेबल साइड में तो ये बेस्ट है, डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस वन। सेल के दौरान तो ये और भी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। कंसीलर को बहुत जल्दी सेट करना है वरना ना वो क्रीज हो जाता है, तो इसी वजह से मैंने सेटिंग के लिए ये मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल किया है। मेरा शेड है 220 नेचुरल बेज, बट ये शेड थोड़ा सा डार्कर है मेरे स्किन टोन पे, तो जो 120 जो शेड है ना आइवरी, वो वाला आप ले सकते हो अगर आप मेरे स्किन टोन के हैं तो। ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये थोड़ा सा प्राइसी है, बट इसका जो छोटा वर्जन आता है ना, ये बड़ा वर्जन है, इसका जो छोटा वर्जन है वो 150 या 130 के आसपास आपको मिल जाएगी। सेल के दौरान तो और भी ज़्यादा आपको अफोर्डेबल रेट में मिल सकती हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है, कवरेज भी बहुत अच्छा है, एंड जो लूज पाउडर है वो मेरे स्किन टोन के लिए, मतलब मेरे स्किन टाइप के लिए थोड़ा ड्राइंग होता है। सो आई लव दिस कॉम्पैक्ट पाउडर, ये सेटिंग का भी काम करता है, कवरेज भी देता है, ऑयल को भी दूर रखता है। हालांकि मेरी स्किन टाइप ड्राई है तो ऑयलीनेस का उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। नेक्स्ट मैंने ये एलए कलर्स का आई शेडो पैलेट ट्राई किया है, जो कि बहुत ही मिनी सा ट्रैवल फ्रेंडली साइज में है, और ये जो आई शेडो पैलेट है इसमें 6 शेड्स है, जो बेज टोन में है और एक पिंक शिमरी सा शेड है जिसे मैंने अपना आईलिड पर अप्लाई किया है, और इसमें ही एक ब्लैक शेड है। इसे मैंने कितना इस्तेमाल किया आप लोग देख सकते हैं। इसके जो बाकी शेड्स है वो बहुत चौकी एंड पाउडरी है, बट द पिंक शिमर शेड इज़ सो अमेजिंग, क्रीमी है, और ये जो ब्लैक शेड है ये भी बहुत ज़्यादा क्रीमी है। तो मैंने इस ब्लैक शेड से अपने आईब्रोज को फिल इन किया है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शन एज वेल। आईब्रोज के लिए आप मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शेड के हिसाब से। फिर ब्लू हेवन का एक आईब्रो डिफाइनर आता है जो विच इज़ अमेजिंग, उसके साथ एक स्पूली भी आपको रिसीव होगा। ये वाला अगर आप पाउडर फॉर्म में और ब्रश
के थ्रू अप्लाई करना पसंद करते हैं तो आप इस तरीके के आई शेडो से भी काम चला सकते हैं। तो मैंने इस बार इस तरीके के आई शेडो से आप लोगों को दिखाया है। मैंने ब्लू हेवन का जो है वो मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। सो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं। आईब्रोज के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पिंक कलर का जो शिमर है उससे मैंने अपने आईलिड्स पर अप्लाई किया है उसे, और ये जो कलर है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये पिंक और पर्पल का एक मिक्सचर है, बहुत जामुनी कलर है इसका, और शिमर्स पार्टिकल्स भी एकदम चंकी नहीं है और बहुत क्रीमी है ये वाला पर्टिकुलर ये आई शेडो। बाकी आई शेडोज जो है ना वो थोड़ा चौकी है। नेक्स्ट मैंने ये आईलाइनर को इस्तेमाल किया है और ये आईलाइनर ना मेरा फेवरेट हो चुका है। पहले मैं लैक्मे का इंस्टा लाइनर इस्तेमाल करती थी, वो थोड़ा प्राइसी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये सिर्फ 60 या 50 रुपीज़ का है आई गेस, अभी सेल के दौरान आई डोंट नो किस प्राइस में मिल रहा है, बट ये इतना अफोर्डेबल है। इसमें कई सारे और ऑप्शंस भी है जैसे रेड, ग्रीन और कुछ ब्लू कलर्स, ये कलर्स भी अवेलेबल है। मेरे पास है ये ब्लैक वाला, ये है ब्लू हेवन गेट बोल्ड आई लाइनर। ये वाटर प्रूफ भी है और ये बहुत बहुत अच्छा है, इसका पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है। सो यू शुड ट्राई दिस वन। मस्कारा के लिए नथिंग न्यू, ये वाला मार्स का मस्कारा मैंने लगाया है। मार्स का ये मस्कारा जब से मैंने परचेस किया है, अमेजन से ही परचेस किया था, सेल में मिल गया था मुझे ये। इसका जो प्राइस है वो बहुत कम है, 200 के अंदर ही है, बट सेल के दौरान आपको 150 के अंदर मिल जाएगी। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छा है, इसका वॉन्ड भी काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूम देता है आपके लैशेस को और क्लम्पी नहीं बनाता आपके लैशेस को। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड मस्कारा। पहले मैं मेबेलिन का इस्तेमाल करती थी, वो भी अच्छा है, बट प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड सजेस्ट यू टू ट्राई दिस वन वंस। काजल अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है मेरे पास। मैंने ये ओलिविया का काजल अप्लाई किया है, ये हाईली पिगमेंटेड है, लेकिन हाँ इसे आपको शार्पन करना पड़ेगा। ये इस तरह से आता है। अगर आपको बुलेट फॉर्म में कोई काजल चाहिए तो आप NYB का ट्राई कर सकते हैं। लैक्मे का भी 200 के अंदर आपको मिल जाएगा ईजिली। तो ये भी काफ़ी पिगमेंटेड है और मैं इसे ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा स्मज्ड इफेक्ट चाहिए, एकदम हार्श एक लाइन नहीं चाहिए। इससे आप स्मोकी आई लुक भी क्रिएट कर सकते हैं, सो उसके लिए ये परफेक्ट है। फॉर लिपस्टिक मेरे पास अगेन एक मेबेलिन का ऑप्शन है, ये मेबेलिन पाउच लिपस्टिक्स है, सेंसेशनल लिक्विड मैट, और ये जो शेड है ये है स्ट्रिप इट ऑफ, इट्स अ ब्यूटिफुल पीची न्यूड शेड है। एवरीडे काइंड ऑफ एक लुक क्रिएट करना चाहते हैं इसे ट्राई कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन अच्छा है, स्मज प्रूफ है, किस प्रूफ है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है, सिर्फ 99 रुपीज़ का है। और सेटिंग स्प्रे के लिए मैंने ये वाला ट्राई किया है, ये है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर विथ एलोवेरा। इसके बारे में मैंने बहुत सारे रिव्यू सुने थे बट आई नेवर ट्राइड दिस वन, सो आई थॉट इस बार ट्राई करते हैं। अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा था सेल के दौरान और ये अच्छा है, बट इसमें अल्कोहल है और जब भी आप इसे स्प्रे करते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का फ्रेग्रेंस आता है, जब वो इवापोरेट हो जाता है ना तब फ्रेग्रेंस चला जाता है, बट हाँ इसमें अल्कोहल है। थोड़ा सा हाई एंड में वेट एंड वाइल्ड या फेसेस कैनेडा में अल्कोहल का मात्रा कम होता है, बट इसमें ज़्यादा है, इसका फ्रेग्रेंस भी बताता है वो। अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, ज़रूर लिंक से परचेज करें। सेल का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।